बातें करना, न तो पर भुगतान लगाना, न तो चुगलियां करना, इधर की उधर बातें करना, बुधा क्या अंजाम क्या होगा, पता क्या होगा उसका अंजाम। उसका अंजाम ये है, इधर देखिए, उसका अंजाम ये है, जिसने जिसका दिल दुखाया माफी तो उसी से मांगनी पड़ेगी। मांग लेंगे माफी, एक तो दुश्मन है उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उससे माफी मांगने की कैसे हिम्मत बनाएंगे। दूसरी बात ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूम अगर रह गए तो माफी मिल जाएगी, अगर बंदों के हुकूम रह गए माफी कोई नहीं। वालिदा के हुकूम, बच्चों के अपने वालिदैन के बारे में हुकूम, वालिदैन के बच्चों के बारे में हुकूम, शोहर के हुकूम, बीवी के हुकूम, औलाद के, तमाम हमसायों के हुकूम के साथ तमाम हुकूम के बारे में सवाल किया जाएगा। और अगर कयामत के रोज तक खड़े हो गए तो वहाँ पर कोई कोई सहारा नहीं है, हत्ता के भाई भाई से भी फेर लेगा, औलाद माँ बाप से और माँ बाप भी औलाद से भी फेर लेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई इतना सख्त दिन होगा। इससे वजह जैसे कि वो दिन आए, वो जो इतना सख्त दिन आए, उससे बेहतर है कि हमें चाहे अपनी जबानों को आने लगाए। आज यहाँ पर नसीब में मौजूद एवरीवन जो है वो वादा करके जाए, हाथ बुला